नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपराई चीनी मिल की पिराई और बिजली उत्पादन की क्षमता वृद्धि कर जिले को दिया नए वर्ष का तोहफा। हिंदू युवा वाहिनी ने निकाली पर्यावरण संरक्षण जागरूकता साइकिल रैली। गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम स्थल का कमिश्नर ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई 6 चोरी की घटनाओं का एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। छात्रों की बहाली की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। आरोपी छात्रों को कम से कम परीक्षा में शामिल होने की अनुमति का किया मांग। सपा ने मनाई समाजवादी राज नारायण की 31वीं पुण्यतिथि। दिग्विजय नाथ प्रास्नातक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। गुरुद्वारे में मनाया गया शहीदी पर्व। याद की गई सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की शहादत। नए वर्ष की तैयारी पर जुटा महानगर, लोगों में दिखा उत्साह। नए साल के जश्न पर सावधान हो जाएं पियक्कड़, पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने बांटे पंपलेट। और कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रतला और रेलवे के जीएम राजीव अग्रवाल ने नए वर्ष की दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपराई चीनी मिल के पिराई क्षमता तथा विद्युत उत्पादन की क्षमता वृद्धि कर जिले को नए वर्ष का उपहार दिया है। जिलाधिकारी राजीव रतला ने कलेक्ट्रेट सभागार में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया कि उल्लेखनीय है कि चीनी मिल पिराई सत्र 2018-19 से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पिपराई चीनी मिल की पिराई क्षमता अब 5000 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास के समय ये क्षमता 3500 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। बिजली उत्पादन की क्षमता शिलान्यास के समय 18 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 28 मेगावाट हो गई है। उन्होंने बताया कि डिस्टिलरी की उत्पादन क्षमता 60 किलोलीटर है। इसकी लागत 105 करोड़ रुपए होगी। चीनी मिल की लागत भी 295 करोड़ रुपए से बढ़कर 375 करोड़ हो जाएगी। पिपराई चीनी मिल की कुल लागत अब 480 करोड़ रुपये हो जाएगी। बैठक में पिपराई चीनी मिल के मुख्य रसायनज्ञ मार्कंडे मिश्र ने बताया कि चीनी मिल की क्षमता भविष्य में 5000 से बढ़कर 7500 मीट्रिक टन गन्ना पिराई क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पिपराई चीनी मिल की क्षमता वृद्धि की पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गन्ना विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बैठक में बताया कि एम्स निर्माण स्थल पर सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है, ताकि बाउंड्री वॉल का पूरा काम कराया जा सके। कार्यदायी संस्था ने बताया कि अब कोई बाधा नहीं है। फर्टिलाइजर में भूमि समतलीकरण का आधा काम पूरा कर लिया गया है। मार्च 2018 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नौसड़ से कालेसर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का काम पूरा कर लिया गया है। पोल की रंगाई पुताई का काम कराया जा रहा है। गिडा द्वारा विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही की जा रही है। 20 जनवरी तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है कि इस मार्ग पर डिवाइडर की पुनः रंगाई पुताई करा दें, ताकि रात में चलने वालों को कोई दिक्कत ना हो। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया है कि मिट्टी खनन के लिए अपना आवेदन खनन कार्यालय को उपलब्ध करा दें। खनन अधिकारी ने बताया कि कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका निस्तारण कर दिया गया है। शेष जिसको मिट्टी खनन की आवश्यकता हो तत्काल आवेदन कर दें। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं के लिए IAS PCS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भवन हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर विनोद सिंह को निर्देश दिया है कि 3 दिन में भूमि स्थानांतरित करा दें। गन्ना शोध संस्थान पिपराइच में स्थापित होगा। इसके लिए पिपराइच रीठिया एवं हरकापुर की लगभग 52 एकड़ भूमि ली जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शोध केंद्र के निदेशक सभी 630 किसानों से सहमति प्राप्त कराएं, ताकि राजस्व विभाग से भूमि स्थानांतरण की कार्रवाई कराई जा सके। डॉक्टर सुचिता सिंह ने बताया कि 285 किसानों की सहमति प्राप्त हो गई है। जिलाधिकारी ने PWD C&DS गन्ना बिजली जल निगम समाज कल्याण
निर्माण निगम आदि की निर्माण योजनाओं की समीक्षा किया तथा समय से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक में CDO अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, ADM प्रभु नाथ एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो आपका जो पार्टी अप्रोच का वो कितना कितने का है? हाउ मेनी लैक्स ऑफ करोड़ अप्रोच बननी चाहिए सर? बननी है सर हमारी 2.15 किलोमीटर तो सर कैजनवा साइड में है। दो चार एडिशनल अप्रोच दोनों में आ गया सुना है। इतना अंडर में अभी लैंड नहीं मिल पा रही है। अप्रोच वाले पर्सन को क्यों भाई एक्सेसर जी अप्रोच में नहीं मिल पा रही है सर? हाउ मच लैंड कितनी लैंड इन क्वेश्चन ये 1.6 किलोमीटर में है। तो ये बता रहे हैं ऐसी साहब कि जो आपने रेट अप्रूव कराए थे उस रेट पे नहीं मान रहे किसान? हाँ तो इसमें अब जब से वो नहीं मान तब से क्या काम नहीं हुए सर? उन्होंने 11 लोगों को और मोटिवेट किया था कि हम सारे 19 लोग एक साथ करें, तो 19 लोग जो हैं टोटल वो मंगलवार के लिए रेडी हुए हैं करने के लिए। डीजल पेट्रोल जैसे बहुमूल्य संसाधनों का अनावश्यक उपयोग रोकने और इसके दुरुपयोग से होने वाले प्रदूषण व जाम की स्थिति से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को नगर निगम परिसर से जन जागरण साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी केमल, प्रदेश संयोजक डॉ. राकेश राय सहित कई सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। ये जुलूस नगर निगम परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों से होते हुए वापस निगम परिसर पहुंचकर समाप्त हो गया। जुलूस के दौरान शामिल लोगों ने स्लोगन और पोस्टर के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू वाहिनी प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, Yeah!
के पूरे शहरों में शुरू हो गया। गोरखपुर में जो हम लोग आज कर रहे हैं, ये स्थिति पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में है। प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है, बाकी स्वच्छता की बात, जहाँ पे गंदगी है वहाँ सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन एक जनता के पहल से हम प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को रोक सके, क्योंकि डीजल और पेट्रोल चालित वाहन फोर व्हीलर टू व्हीलर के अंधाधुन प्रयोग हो रहा है। और हम लोग हिंदुवाणी के माध्यम से जो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अगर अपने प्रतिदिन के कार्यों में एक घंटा अगर जाम में बिताता है तो उसकी एक ईंधन की डायरेक्ट जो खपत होती है, साथ में ईंधन का हमारा लॉस होता है जो नेचुरल रिसोर्स है, और पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों ने पैदल चलेंगे, साइकिल चलाएंगे इन द मॉर्निंग फॉर हेल्थ एंड पैदल चलेंगे, साइकिल चलाएंगे इन इवनिंग फॉर वेल्थ, एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। और गोरखपुर से ये शुरुआत करके पूरे उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश की इकाई इसको लेके जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण में एक घंटा अगर हम साइकिल या पैदल चल के जाम से छुटकारा पाते हैं तो जाम के साथ साथ प्रदूषण को भी हम सुरक्षित कर पाएंगे। सर, आपके इस साइकिल रैली का कोई हम राजनीतिक अर्थ भी समझे? देखिए, साइकिल रैली का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, वास्तविकता तो यही है कि कुछ लोगों ने साइकिल का दुरुपयोग किया है, साइकिल को जंग लगा के पंक्चर करके केवल उसको आम जनता की सवारी जो साइकिल है उसका दुरुपयोग कर दिया है। इसको वास्तविक रूप में यह सम्मानजनक सराय की आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाइए, यूरोप की कंट्री में चले जाइए, वहाँ के राष्ट्रपति साइकिल चलाते हैं, प्रधानमंत्री साइकिल चलाते हैं और स्वच्छ और सुंदर शहर के लिए साइकिल चलाते हैं और देश के लिए साइकिल चलाते हैं। हम लोग ये साइकिल एक अभियान गोरखपुर को स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर, समृद्ध गोरखपुर और सर्वश्रेष्ठ गोरखपुर के अभियान के लिए चला रहे हैं। लेकिन जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनावी निशान भी साइकिल है, ठीक इस मायने में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे हाथ के दो पंजे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के पंजे भी निशान है, लेकिन हम दोनों हाथ में लिए घूमते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है और वो भी हम लोग डेली माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में हम उस कार्य को कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, अपने घर दरवाजे के सामने सफाई कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने अभियान में लगे हैं और इस अभियान को शिखर तक अभियान के तहत ये माना जाए कि अभी तक झाड़ू निकल गया, साइकिल निकल गई और भी दूसरे चीजें निकल गए, तो क्या चुनाव चिन्ह को ही टारगेट करके आप लोग? ये तो देखिए, अपना विषय, हमारा विषय तो केवल इतना ही है कि पैदल चलना और साइकिल चलाना एक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि साइकिल एक प्रदूषण रहित आविष्कार है जिसका सही जनता के बीच में सही हाथों में होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में 11, 12 एवं 13 जनवरी को आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव को लेकर कमिश्नर अनिल कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर ने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कमिश्नर ने क्रीड़ा स्कूल कला संकाय के कार्यक्रम स्थल तथा महोत्सव में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त प्रशासन संजय सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई 6 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी गणेश साहा ने बताया कि चौरी चौरा में नकबजनी करके चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को चौरी चौरा पुलिस ने उस समय अपने गिरफ्त में ले लिया जब वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पकड़े गए चोरों के पास से नकब काटने के उपकरण के साथ ही 54 अदद मोबाइल, गैस कटर मशीन, चोरी गई मोटरसाइकिल, पीतल का 2 बड़ा हांडा एवं LED टीवी, 15 पीस स्विच, 3 वाटर हीटर, विक्टोरिया कंपनी का वायर, 1 बंडल इलेक्ट्रिक प्रेस, इंडिकेटर 20 पीस, वाटर हीटर 30 पीस, पीतल के बर्तन, जेवरात, इन्वर्टर की बैटरी सहित लाखों के माल बरामद हुए। SP नॉर्थ श्री साहा ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान जंगहा थाना क्षेत्र के मुन्ना मौर्या पुत्र राम दुलारे मौर्या, जगन्नाथ यादव पुत्र राज केवल यादव, रमेश यादव पुत्र स्वर्गीय राम कुमार यादव के रूप में हुई है, जबकि एक अभियुक्त हरे राम यादव फरार हो गया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने चोरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार स्थित मनीष मोबाइल व बर्तन की दुकान, फुटौआ इनार स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान, सोनबरसा बाजार में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की थी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनीष मोबाइल के प्रोप्राइटर मनीष ने बताया कि उनके शॉप का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के माल हाथ साफ कर दिया था।
में विगत दिनों में जो चोरी की घटनाएं हुई थी उसी का अनावरण आज किया जा रहा है। इसमें कुल चार अभियुक्त हैं जिनमें एक वांछित चल रहा है। इनमें आपको रमेश यादव, मुन्ना मौर्य और जगन्नाथ यादव, ये तीन साथी और इनके द्वारा चौरी चौरा में चार जगह चोरी की गई थी। एक मोबाइल की दुकान में चोरी की गई थी, करीब 58 मोबाइल इन्होंने गायब किया था। और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में कहीं टीवी गायब की थी, हंडा आप देख रहे होंगे, और कहीं आयरन की रॉड है। तो कुल मिला के ये काफी साथी किस्म के चोर थे, गैंग बना के काम करते थे। कल भी इनके द्वारा योजना बनाई जा रही थी और चौरी चौरा इस पे एसओ द्वारा काफी मेहनत के बाद इसको पकड़ा गया है। और जो वांछित चल रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आकलन तो अलग अलग कर सकते हैं, माल का मात्रा इम्पोर्टेंट ज्यादा है, जैसे मोबाइल की रिकवरी 58 है और कुल अब हंडी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो इसको कैश में कन्वर्ट कर पाना तो थोड़ा कठिन है। लेकिन जितने भी चोरियां हुई है, जिस जिस जगह में चोरी हुई है, सब जगह से माल बरामद हो गई। ये एक अच्छी बरामदगी है, ये पुलिस के लिए अच्छी कामयाबी है। जो 13 तारीख की रात्रि में ये 11:56 में चोरों द्वारा अंदर घुस गए थे मेरे दुकान के अंदर, 12:28 तक इन्होंने अंदर काम किया, उसके बाद ये बाहर आ गए जी। ये 13 तारीख की रात। कितने का माल था? ये लगभग 6 लाख रुपये के आसपास का फोन था, लगभग 1.5 लाख रुपये का था, ये उठा के ले गए। किस नाम से दुकान थी? मनीष मोबाइल सेंटर के नाम से, चौरी चौरा में है, रेलवे क्रॉसिंग के पास। दीनदयाल उपाध्याय को विश्वविद्यालय गेट के समक्ष बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर द्वारा 4 छात्रों पर किए गए कार्यवाही को वापस लेने की कामना की। इस दौरान छात्र नेता शिवशंकर गौड़, अभिषेक कुमार, अतुल शाही सहित कई छात्र मौजूद रहे। शिवशंकर गौड़ ने गोरखपुर न्यूज से कहा कि चीफ प्रॉक्टर द्वारा जिन छात्रों पर कार्रवाई की गई है उनकी सोमवार से परीक्षा है, इसलिए उनकी मांग है कि कार्रवाई किए गए छात्रों को कम से कम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय में रविवार को लोक बंधु राज नारायण की 31वीं पुण्यतिथि जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लोक बंधु राज नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, जिसके पश्चात उपस्थित लोगों ने लोक बंधु राज नारायण के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. मोहसिन खान, जिला सचिव जयप्रकाश यादव, जिला नगर महासचिव सिंहासन यादव, मैना भाई सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ने कहा, बात का आप लोगों को मालूम, सही बात करने के लिए चक्कर नहीं है। लोहिया जी फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे और जवाहरलाल नेहरू इंदिरा के पास हो गए, दोनों में से आप सलामत हुई। नेहरू जी ने कहा लोहिया जी आपको हाउस में जाना है तो मैं भेज दूंगा, क्या जरूरत। उन्होंने कहा मत चुनाव जीत गया, भारत का प्रधानमंत्री खेत के मेड़ पर चल दिया, वो जान गया कि गांव गरीब और खेत वालों की क्या हाल है। बचना भी आज लोक बंधु राज नारायण जी की 31वीं पुण्यतिथि है, बहुत ही जुझारू और समाजवादी विचारों से लैस नेता थे हमारे। भारत में छात्रों के हितों को लेकर, युवाओं के हितों को लेकर, किसानों के हितों को लेकर, सर्वहारा वर्ग के हितों को लेकर के लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ते रहे और तकरीबन 80 बार जेल गए। उन्होंने तत्कालीन आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव भी हराया और उन्हें सदन से लेकर सड़क तक घेरते रहे, उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे। राज नारायण जी एक पक्कर स्वभाव के बहुत बड़े नेता थे, इतने बड़े नेता कि सर्वहारा वर्ग में उनकी रिक्ति को शायद कोई पूरा नहीं कर पाया है। ये जुझारू बने से गरीब की आवाज़ को उठाते थे, छात्रों की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को उठाते थे
उस जुझारूपने से आज आवाज उठाने वाले लोग कम रह गए हैं। हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से राजनारायण जी संघर्षों के बल पर आगे समाज के समस्याओं को दूर करने में आगे आए, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी आज गरीबों की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, महिलाओं की समस्या, सबकी समस्याओं को लेकर के और समाजवादी पार्टी के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजयनाथ परास्नातक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय विशेष शिविर का आज समापन हो गया। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शरद कुमार मिश्र, कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र सिंह, कार्यक्रम अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य सहित कॉलेज के कई शिक्षक व छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम अधिकारी ने सप्त दिवसीय विशेष शिविर के तहत आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसके बाद स्वयं सेविकाओं ने 7 दिनों तक शिविर से प्राप्त अनुभव को सबके बीच शेयर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने भी राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सेविकाओं की उज्ज्वल भविष्य की कामना की। और इसमें मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, इसमें मेरा मनोबल भी बढ़ा है, मुझे बोलने की क्षमता भी प्राप्त हुई। मैं पहले ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से व्यवहार नहीं कर पाती थी, लेकिन जब इस कैंप में आई पिछले साल में, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबके साथ घूम के रहते कैसे हैं, सब कुछ मुझे सीखने को मिला। किसी की कैसे फिक्र करते हैं, कैसे कोई आपकी फिक्र करे, ये सब कुछ यहाँ मुझे देखने को मिला है। और इस साल मैंने जो पिछले साल सीखा था वही इस साल मैंने किया। मैंने भी सबकी देखभाल की, सारे दीदी लोग जो भी हैं, मेरी छोटी जूनियर भी हैं, सिस्टर, सबका मैंने हेल्प किया और मुझे बहुत खुशी मिली। और सर ने भी मेरा बहुत हेल्प किया और प्राचार्य सर ने भी मेरी बहुत मदद की, हमारी हर बात को सुना, समझा, विचार किया, सब चीज़ों में हमारी हेल्प की। शाम को ग्रुप का निर्धारण किया, आपको अलग अलग समितियों में बांट करके उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दूसरे दिन से हमारा मुख्य प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें 6:30 बजे आपके प्रेयर का समय रखा गया। आप लेट लतीफ करके लेकिन तो 6:30, 7 बजे तक प्रेयर, पुनः हमने योगा और पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम रखा जिसमें योगा कराया जाता था, कुछ एक्सरसाइज कराई जाती थी। उसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच नाश्ता, 10 बजे से हमारा क्षेत्र का कार्यक्रम शुरू होता था जिसमें हम अपने एडाप्ट एरिया में जाते थे, वहाँ एंसेफलाइटिस के प्रति वहाँ के स्थानीय लोगों को हम लोग विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास करते थे। पुनः 2 बजे से बौद्धिक सत्र चलता था, वो बौद्धिक सत्र 4 बजे तक, जिसमें प्रतिदिन हमने किसी न किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया और उनसे आपका समागम कराया। 4:30 बजे नाश्ते का पुनः एक टी पार्टी, 6:30 बजे से सांस्कृतिक संध्या जो रात्र 9 बजे तक चलता रहा, 9 बजे से 10 बजे तक भोजन और पुनः विश्राम के लिए। ये हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम रहा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की माता और उनके 4 पुत्रों का शहीदी पर्व श्री गुरु सिंध सभा जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में रविवार को आयोजित किया गया। इस शहीदी पर्व का शुभारंभ सुखबानी पाठ के साथ आरंभ किया गया, जिसमें बच्चों ने कीर्तन और कविता सुनाकर उपस्थित लोगों को वीर रस से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर सुखमणि साहिब द्वारा गुनुवाणी पाठ भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को सलाम किया। इस अवसर पर परमजीत, गुरुजीत, मंजीत, सतवंत सिंह, निर्मल और सतवीर कौर सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। एक
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। नव वर्ष 2018 के आगमन को लेकर पूरा महानगर उल्लास से लबरेज है। नए वर्ष के सेलिब्रेट के लिए गोलघर में दुकानें सज गई हैं, तरह तरह के गुब्बारे, सुगंधित फ्लावर, ग्रीटिंग से बाजार पटा हुआ है। नए वर्ष को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा, तैयारी तो वैसे पूरा क्या नाम है इंडिया ही करता है, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही करता है समझ लीजिए। और यहाँ तक देखिए तो अभी नए साल के लिए लोग गिफ्ट आइटम्स वगैरह और फ्लावर्स से ही ज़्यादा मतलब खुशहाली के लिए ज़्यादा मनाते हैं। नए साल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई तरह के रोज़ के कलर्स होंगे, बुके बास्केट, जो कि नए साल पर स्पेशली नया नया राउंडेड। न्यू ईयर जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, अपने घर को अच्छे से सजाएंगे, अच्छे से डेकोरेट करेंगे फूलों से, बैलून से। उसके बाद हम लोग डिनर पे जाएंगे, कई बार अच्छे होटल में डिनर वगैरह करेंगे और बस केक वगैरह अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी फॉर डिनर आउटिंग के लिए। और घर पे सब खाना वाना डेकोरेट करना है अपना, थोड़ा बहुत घर को डेकोरेट करना है और विद फ्रेंड्स। तो बस यही है मेरा, तो अच्छे से न्यू ईयर से और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा हो। फ्रेंड्स लोगों को भी बुलाना है और भी थोड़ा बहुत प्लानिंग है काफ़ी ज़्यादा, देखते हैं। थैंक यू। सबसे पहले 2018 के लिए मैं सबको अपनी तरफ से राधे राधे कहना चाहती हूँ, सबका वेलकम।
सब लोग न्यू ईयर पे अच्छे से अच्छा सेलिब्रेशन करें, वेलकम करें नए साल का, सब लोग एंथुजियाज्म दिखाएं, एक अच्छा रेजोल्यूशन लें कि हम इस साल कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा मोटिवेशन रखेंगे, इस कैसे इस साल को पिछले साल से कंपेयर अच्छा बनाएंगे, अच्छी स्ट्रैटेजी होगी और पूरा साल ओवरऑल अच्छा रहेगा, बहुत मस्ती म्यूजिक रहेगी और कॉलोनी में सेलिब्रेशन भी होगा। एंड होप सबका न्यू ईयर इस बार बहुत अच्छा रहेगा। घर को अपने सजाएंगे, फिर रात को केक कटिंग भी करना है, फिर फ्रेंड्स और परिवार के साथ हम डिनर पे भी जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। साल के अंतिम दिन जहां एक ओर लोग इसके जश्न में डूबे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर शराब में मतवाले कुछ मामला ना कर दें, इसके लिए गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को चेतना तिराहे पर जन जागरण के लिए कुछ पंपलेट बांटे। पंपलेट में साफ तौर पर यातायात पुलिस द्वारा हिदायत दी गई थी कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इस मौके पर SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, CO ट्रैफिक प्रवीण कुमार सिंह भी लोगों को अपने हाथों से पर्चे बांटे और उन्हें हिदायत दी कि शराब पीकर अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। अब देखना है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से की गई ये अनोखी पहल कितनी कारगर होती है। मीडिया से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। ले आइए, इनको भी ले आइए, आप आइए सर, आइए इधर आइए, ये देखो बनने के लिए हैं, सवारी जा रहे हैं, देखो नया साल आ रहा है, हम लोग गोरखपुर की यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज का ये कदम हम लोगों का इसी प्रयास में एक अगला कदम है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है इस नए तरीके से जनता को आज का नया साल मनाने के लिए एक सादगीपूर्ण तरीके से प्रोत्साहित करेंगे। 31 दिसंबर है सर, साल का अंतिम दिन, बिरयानी के दुकानों पे दारू भी पीते हैं लोग, कोई अभियान होगा? ये पर्चे इसीलिए बढ़ रहे हैं कि शराब का सेवन ना करें और नए साल को नए साल की तरीके से मनाएं, किसी भी नशे की हालत में कोई दुर्घटना ना हो, उसके बचाव के लिए हम लोग, हमारे CO ट्रैफिक साहब, DSI और सभी पूरा हमारा ग्रुप जो है इसी प्रयासरत है। तो हमारी विसंगत धाराएं, उन विसंगत धाराओं के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और हम लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी PRV मोबाइल्स और हाफ मोबाइल्स, सभी थानों के फोर्सेस
ट्रैफिक फोर्स सभी लोग ब्रेथ एनालाइजर लेके हम लोग मुस्तैदी से रहेंगे, और जिसका भी शराब के सेवन के साथ में मोटरसाइकिल चलाते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इसको जो है लगभग 15 दिन का एक पखवाड़ा हम लोग 1 जनवरी से 15 दिन का जो है यातायात चेतना अभियान के रूप में मनाएंगे इसको, जिससे पूरे साल भर जनता यातायात के नियमों का पालन करे और हम लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करे। पूरी मुस्तैदी से रहेंगे जब तक सभी लोग अपने अपने घर वापस नहीं चले जाएंगे सड़क से, तब तक हम लोग पूरी मुस्तैदी से रहेंगे। हमारी 15 PRV मोबाइल्स हैं, सभी ड्यूटीरत रहेंगे, हर चौराहे पर पुलिस फोर्स मिलेगा, ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, और जितना भी तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को नियंत्रण करने के हम लोग सभी करेंगे। कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रैतला और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने मंडल एवं जनपद वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी, और उन्होंने कहा कि नया वर्ष हर्षोल्लास किंतु शालीनता से मनाएं। उन्होंने सभी के सुख समृद्धि एवं प्रगति की कामना की है। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपराई चीनी मिल की पिराई और बिजली उत्पादन की क्षमता वृद्धि कर जिले को दिया नए वर्ष का तोहफा। हिंदू युवा वाहिनी ने निकाली पर्यावरण संरक्षण जागरूकता साइकिल रैली। गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम स्थल का कमिश्नर ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई 6 चोरी की घटनाओं का SP नॉर्थ ने किया खुलासा। छात्रों की बहाली की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। आरोपी छात्रों को कम से कम परीक्षा में शामिल होने की अनुमति का किया मांग। सपा ने मनाई समाजवादी राजनारायण की 31वीं पुण्यतिथि। दिग्विजय नाथ प्रास्नातक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। गुरुद्वारे में मनाया गया शहीदी पर्व, याद की गई सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की शहादत। नए वर्ष की तैयारी पर जुटा महानगर, लोगों में दिखा उत्साह। नए साल के जश्न पर सावधान हो जाएं पियक्कड़, पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस ने बांटे पंपलेट। और कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रतला और रेलवे के GM राजीव अग्रवाल ने नए वर्ष की दी शुभकामनाएं। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।